झारखंड में चुनाव को लेकर सियासी दल तैयारियों में लगे हुए हैं। बीजेपी की तरफ से उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी गई। लिस्ट जारी होते ही बीजेपी को नेताओं के विरोध का सामना करना पड़ा। नेताओं ने बगावत कर दी है। इस बीच बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। कई नेताओं ने पार्टी को अलविदा कह दिया है, तो किन नेताओं ने छोड़ा पार्टी का साथ, देखिए इस रिपोर्ट में। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि बीजेपी ने खुलकर परिवारवाद और भाई भतीजावाद के तहत टिकट दिया है। लिस्ट जारी होने के बाद पार्टी को नाराजगी का सामना करना पड़ा। पार्टी में बगावत के स्वर भी सामने आने लगे। इस बीच पोटका के पूर्व विधायक मेनका सरदार ने पार्टी को बड़ा झटका दिया है। टिकट कटने से नाराज विधायक मेनका सरदार ने इस्तीफा दे दिया है। दरअसल बीजेपी ने पोटका विधानसभा के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा के नाम का ऐलान कर दिया। टिकट कटने से नाराज मेनका सरदार ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को अपना इस्तीफा भेज दिया। मेनका सरदार 3 बार बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीत चुकी हैं। टिकट कटने से नाराज नेताओं की लिस्ट काफी लंबी है। इसमें बीजेपी नेता गणेश महाली का नाम भी जुड़ गया है। महाली ने फेसबुक पर पोस्ट किया कि अगर तुझको गुरूर सत्ता का इस कदर, तो हमको भी तख्ता पलटने का हुनर आता है। अटकलें हैं कि वो झामुमो में शामिल हो सकते हैं। वहीं मांडू सीट से बीजेपी नेता कुमार महेश सिंह कांग्रेस में शामिल हो गए। बीजेपी विधायक केदार हाजरा और आजसू के पूर्व विधायक उमाकांत रजक ने एनडीए को झटका देते हुए झामुमो का दामन थाम लिया। सिल्ली के पूर्व विधायक अमित महतो भी जेएमएम में शामिल हो गए। कहा जा रहा है कि बीजेपी और आजसू के और भी विधायक इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। इंडिया गठबंधन मजबूत होता जा रहा है, तो एनडीए बिखरता दिखाई दे रहा है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।